Alright, so hey guys, what everybody, this is your boy Zubair Akash, back here again with a new video, people. So dude, aaj ka video bahut hi important, bahut hi zabardast video hone wali hai, kyunki main aapko aaj bataunga, kyunki aap dekh rahe hain aajkal pura aalam tension mein hai, har koi pareshan hai kisi na kisi wajah se. Corona ke ilawa hi main ye baat kar raha hu, corona ki wajah se to sara world pareshan hai, lekin main जो कि आम जिंदगी में जो कि होता है परेशानी, उन जो कि खास तौर पर जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती है, जो कि यंग बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा टेंशन होते हैं, वो इतने स्ट्रेस में जाते हैं कि वो बिल्कुल ही नाकारा हो जाते हैं, मतलब किसी काम के लायक नहीं रहते, अपने आप को इतने स्ट्रेस में डालते हैं वो लोग, जिसकी वजह से वो पढ़ाई भी नहीं कर सकते और किसी और फील्ड में भी आगे नहीं बढ़ सकते. तो वो क्या, वो टेंशन क्यों होता है और उसका हल क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. सो लेट्स गो. सो ड्यूड, आज आप लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं और यंग लड़के हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पर और किसी कामों पर वो तवज्जो बिल्कुल नहीं दे सकते. सो प्लीज़ मैं आपको कुछ टिप बताऊंगा जो जिसको आप फॉलो करेंगे यकीनन आप कभी भी आपका मूड ऑफ नहीं होगा, बल्कि आप बहुत अच्छा फील करेंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी. मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ, क्योंकि सबसे पहली जो स्ट्रेस होती है जो हमारे न्यू जनरेशन है उनके लिए, वो होती है कि वो हसद करते हैं लोगों से. डूड, किस लोगों से जलते हैं कुछ लोगों से. सो डूड, मैं आपको कहता हूँ किसी से जलो मत, बल्कि बराबरी करो. बराबरी करने में जो मज़ा है वो जलने में बिल्कुल नहीं है. आप बराबरी करोगे तो आप जीरो पे हो तो आप वन पर आओगे, और आप वन पर हो आप टू पे आओगे, और जब आप किससे जलोगे किससे हसद करोगे तो आप टू पे हो, आप हंड्रेड पर भी हो तो आप जीरो तक आ जाओगे. सो डूड, किससे जलो मत बिल्कुल. वो बंदा अगर कोई काम कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते. लेकिन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट फ़र्क क्या है, बहुत अहम फ़र्क क्या है वो बताऊं मैं आप लोगों को. वो होता है वो बंदा मेहनत करता है, उस वजह से वो उस मकाम पर है, और आप लोग बस सिर्फ उसको देखते ही जलते हो, मतलब कुछ करते नहीं हो, तो आप क्यों उस, आप तो फिर नहीं पहुंच सकते उस पीक पर जहां पर वो बंदा खड़ा है. तो प्लीज़ आप किसी से जलो मत, बल्कि बराबरी करो. वो बंदा जो कर सकता है वो आप भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि आप मेहनत करोगे, अपनी दिन रात मेहनत करोगे उस काम पर, उस चीज़ को अचीव करने के लिए. मतलब एक बंदा कोई चीज़ अचीव करता है तो हमें उस बंदे को देख कर हसद नहीं करना चाहिए कि ये चीज़ इस बंदे के पास क्यों है, हमारे पास इस बंदे के पास क्यों है. हम हमारे जो पाकिस्तान है, आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान से आज़ाद होने के बाद कुछ मोबाइल चाइना पाकिस्तान से एक साल बाद आज़ाद हुआ है, और आज आप चाइना को देखो वो कहां पर पहुंचा है और हम कहां पर है. इसकी मेन वजह मुझे, मैं बाहर मुल्कों में नहीं घूमा हूँ इसलिए मैं अपनी पाकिस्तान की बात करूँगा. मैंने पाकिस्तान में बहुत से लोगों को देखा है कि वो लोग हसद करते हैं, जलते हैं लोगों से क्यों, और यही जलने यही उनकी जो खामी है वो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है. सो प्लीज़ डूड, ये ना करें, बल्कि जब आपका कोई बंदा है वो कोई चीज़ अचीव करता है, वो किस चीज़ के लिए मेहनत करता है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम किस तरह भी से प्लान बनाकर उसका ये काम ख़राब करें, बल्कि हमें ये चाहिए कि हम उसको सपोर्ट करें और उनसे इम्प्रेस हो, उनसे इम्प्रेस होकर हम भी वही काम करें. अगर ये बंदा एक काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. लेकिन मेहनत की ज़रूरत है, इससे हसद मत करो बल्कि उसके साथ बराबरी करो. ये बंदे ने ऐसा किया है, अपने आप से अपने ज़मीर से चैलेंज लगाओ कि इस बंदे ने किया है मैं भी ये करके दिखाऊंगा इतने टाइम में. सो डूड, ये तो हुआ पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है डूड, कभी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर मत करो.
क्योंकि अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें आपको दी है वो किसी दूसरे को नहीं दी, और जो किसी दूसरे में जो सलाहियतें हैं वो तुम में नहीं आ सकती। सो डूड, अपनी सलाहियतों को पहचानो, अपनी सलाहियतों को सामने लाओ और अपनी सलाहियतों को अपने आप में ढूंढो कि मुझे अल्लाह ताला ने कौन सी सलाहियत दी है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसे अल्लाह ताला ने कोई ना कोई कॉमन सलाहियत नहीं दी हो, और वो ऐसी सलाहियत होगी जो दूसरे में नहीं होगी, और वो सलाहियत खुद में ढूंढो और उस पर ऐसा मेहनत करो ताकि लोग याद रखें अपनी सलाहियत को, लोगों के सामने ऐसे पेश करो ताकि लोग आपसे इम्प्रेस हो सके। सो डूड, मेरी वीडियो चूँकि जो यंग जनरेशन के जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा देखते हैं, जो कि 1 से लेकर 10th तक जो स्टूडेंट्स हैं और एज है वो ज़्यादा देखते हैं। सो डूड, तो उनके लिए मेरा एक पॉइंट ये है, ये खसूसी पॉइंट मैंने उन लोगों के लिए एक छोटे स्टूडेंट्स वगैरह को के लिए इसमें ऐड कर रहा हूँ। डूड, थर्ड पॉइंट ये है कि मतलब कोई काम है आपके जिम्मे, कोई काम आज लगा है उसे कल पर मत छोड़ो। जो काम करना है आज ही करो, जो करना है आज ही करो, और आप कल पर छोड़ोगे तो वो काम नहीं होगा, वो कल जब कल आ जाएगी आप कहोगे कि चलो परसों कर लेता हूँ। सो डूड, ये ना करो। जो के यंग स्टूडेंट्स हैं, मैंने खुद अपने भाई लोगों को देखा है, उनको जज किया है मैंने, मैं खुद भी पढ़ा हूँ, मैं खुद भी यही करता था कि बस होमवर्क चलो सुबह कर लेंगे, सुबह जाके स्कूल में डांट पड़ती थी। सो डूड, ऐसा ना करें बिल्कुल। जब होमवर्क है, टेस्ट वगैरह है, जो भी है वो अभी के अभी याद करके बिल्कुल फ्रेश हो जाओ, और जब आप लोग कुछ काम करो तो दिल लगा के करो, बिल्कुल दिल लगा के करो। दिल लगाओगे, मेहनत से करोगे तो अल्लाह ताला आपका साथ देगा, क्योंकि जो काम भी करना है अपनी मदद आपके तहत करो और खूब दिल लगाकर मेहनत से करो, तो इंशाल्लाह आप जब आप मेहनत करोगे तो थोड़े से टाइम के बाद आप बिल्कुल फ्री होंगे, बिल्कुल अच्छा फील करेंगे। और जब आप अपने आप पर बोझ छोड़ोगे, मतलब कल करना है, अगर आपका जिम्मे आज काम है और आप कहोगे कि मैं ये काम कल करूँगा, तो डूड ये याद रखें कि आपको टेंशन होगी सारा दिन। आज का ये दिन आपने अपने लिए फ्री रखा है कि चलो कल कर रहे हुआ, आज का दिन आपकी टेंशन में गुजर जाएगा। कल रात को आप सारी रात आपकी टेंशन में गुजरेगा कि कल ये काम करना है, किस तरह करेंगे, क्या क्या। सो डूड, जो काम भी है वो आज का करो, अगर सोचोगे भी नहीं लेकिन फिर भी टेंशन होगी। सो डूड, जो भी काम है वो आज ही करो और कल पर काम मत छोड़ो। सो ऑलराइट, सो डूड, जो और कभी किसी को अपने आप से कम मत समझो, बल्कि जो भी गरीब लोग हैं, जो भी कम आपसे आपके स्टेटस से वो लो स्टेटस वाला है, उसे हमेशा इज्जत दो। उसे ये महसूस होने मत देना कि आप लो हो और मैं रिच फैमिली से हूँ, बल्कि आप उनसे मोहब्बत रखें, उनसे अच्छी तरह इखलाक के साथ पेश आए। आपके अखलाक अच्छे होंगे आपको लोग ज़्यादा चाहने लगेंगे, आपके अखलाक बुरे होंगे लोग आपको बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे। सो डूड, किसी को भी अपने से कम मत समझो, बल्कि उन्हें हमेशा इज्जत दो और इज्जत से उनसे बात करो। और आजकल चूंकि कोरोना वायरस की वजह से सब लोग घर में कैद है, बाहर अपने जो लोग मजदूर हैं, हमारे 22 करोड़ में 6 करोड़ जो है वो लेबर है। लेबर का मतलब मजदूर लोग हैं, जो कि अपनी मजदूरी से अपना पेट पालते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं, उनके सब पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब वो एक दिन अपनी मजदूरी पे नहीं जाते तो वो घर में कुछ ही, उनका घर में चूल्हा नहीं जलता। सो रूल, आज कल चूँकि कोरोना वायरस है, सो प्लीज़ 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 अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो अपने घर के अपने मोहल्ले में ऐसा घर ढूंढो जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हो, उन्हें अपने जितने आपका आपके पास है, अल्लाह ताला ने आपको दिया है माल, उनमें से कुछ उन्हें दे और इस तरह आप गरीबों का मदद करें। सो रूल, अल्लाह ताला ये आप यहाँ पर पता नहीं चलेगा, यहाँ पर ऐसा रहेगा क्योंकि माल खर्च हुआ, मुझसे पैसे गए, ये गया वो गया, लेकिन इसका अजर अल्लाह ताला आपको कयामत के रोज़ देगा। सो डूड,
प्लीज़ 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 गरीबों का वैसे भी मदद करें, कोरोना के अलावा भी जहाँ पर गरीब देखते हैं आप उनकी मदद करें। अल्लाह आप उन्हें इज्जत दे, आप उन्हें इज्जत दे, आप उन्हें उनसे प्यार करें, अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा और अल्लाह ताला आपसे प्यार करेगा। सो ये थे कुछ, बस आज बाहर बारिश थी तो मैंने कहा कि चंद अपने जो ख्यालात हैं मेरे जहन में वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो यकीनन आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लगी होगी क्यों, और आप भी यही बात, यही जो बातें, जो तीन चार बातें, इन पर ज़रूर अमल करें, इनको ज़रूर फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो प्लीज़ आपने अगर बिल्ला 07 आर्मी ज्वाइन नहीं किया है तो जाके हिट करो सब्सक्राइब बटन को और ऐड हो जाओ बिल्ला 07 आर्मी में। और आप इस चैनल पे नए हो तो जाके सब्सक्राइब बटन को क्लिक करते ही जाना। अगले वीडियो में मिलेंगे, दुआओं में याद रखो।